चलो भाई, वीडियो की शुरुआत हो रही है। अभी से मैं यहाँ से पहुँचा भृगु आश्रम, बाबा जी पीछे आ गए हैं और अब से मैं वीडियो की शुरुआत कर रहा हूँ। तो भाई मैं बता दूँ, मैं जा रहा हूँ ददरी मेला में कवि सम्मेलन देखने के लिए, जिसका टाइम था 8, लेकिन लेट करते करते 9 बज गया है। अब देखते हैं क्या बजे से स्टार्ट होता है। वैसे निकल गए हम लोग कवि सम्मेलन का। मेला का रास्ता तो पता रहता अपने जनता। देखो हम रास्ता दिखाओ तो मेला के कहाँ से बा। चलिए दिखाते हैं। ये रास्ता देख लो, ध्यान से देख लो रास्ता। देखो उन्हीं को मेला कैसा लगता है, बुझाते नहीं कि लाइट के उजियारा में। 8 बजे से स्टार्ट हो जाएगा कार्यक्रम, लेकिन बज गया है 9। और पीछे देखो खाली, पूरा खाली। और हम लोग को याद है ना, आज से 2-3 साल पहले जब हम लोग पढ़ाते थे गाँव पे, तो वहाँ से हम लोग गाड़ी बुक करके हम लोग आते थे यहाँ पे और कापी कलम लेके लिखते थे कवियों का। उस समय बहुत भीड़ लगी, इसमें तो बहुत भीड़ हो जाती थी, लेकिन अब तो बिल्कुल ही नहीं है भीड़। खैर इंतज़ार करते हैं कब तक कवि जी आते हैं। बाकी लिस्ट वहाँ पर देख सकते हैं कितने सारे कवि हैं। अब धीरे धीरे जो है देश के विख्यात कवि मंच पे बुलाया जिनका नाम भी है। अब जो कार्यक्रम स्टार्ट हुआ, लेकिन फीता कार्यक्रम वाला, फीता काटने वाला कार्यक्रम हुआ नहीं है। तो ये बनारस के कोई कवि है, वही स्टार्ट किए हुए हैं। भीड़ तो है नहीं, तो क्या करो, हम लोग दूरी बना बना के बैठे हैं कि थोड़ा ज्यादा भीड़ लगे। भैया मूंगफली का व्यवस्था करा दिए। हाँ मूंगफली चल रहा है, दूरी बना बना के बैठे कि थोड़ा ज्यादा भीड़ दिखाई दे। आधा किलो ठीक है बाबा। पल्लवी त्रिपाठी आई है सरस्वती वंदना करने के लिए। मंत्री जी का आगमन हो गया इधर के साइड में। दनी सजाद अंसारी जो मंत्री हैं, माननीय मंत्री, राज्य मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं। मैं गुजारिश भी करूंगा कि आज के इस मंच का अभी तक श्री गणेश तो हुआ है, तो फीता काट के उद्घाटन किया जा रहा है। तमाम मंचासीन अपने सम्मानित कवियों का बागी बलिया की पवित्र भूमि पे स्वागत करता हूँ। ये इश्क और मोहब्बत की महफिल है। आज का ये कवि सम्मेलन बहुत ही शानदार होने वाला है, इसका मैं वादा करता हूँ। फूल लिखो, कहीं पान लिखो, कहीं गेहूँ लिखो, कहीं धान लिखो रे, खैर लिखो, खलिहान लिखो, खलिहान के साथ किसान लिखो रे, जो कुछ भी लिखना है लिखो। अरे मेरे भाई जवान लिखो रे, देश में देखो जहाज टुकड़े एक बार कोई जब कहता है राम, तब राम किसी व्यक्ति का सुनाम कहलाता है। कोई जो दोबारा यदि कहता है राम राम, वही राम का बवा भी वादन कहता है। तीन बार कोई यदि कहे राम राम राम, राम तब वेदन का रूप धरवाता है। तो मंत्री जी अब जाने लगे यहाँ से। और यूं ही साहित्यिक महफिलों में आप जाकर के उन महफिलों को आबाद करते रहे, बस यही दुआएं हैं। आप जिंदाबाद रहे और शेरों का, गजलों का, गीतों का, साहित्यकारों का, कवियों का, शायरों का, सबका मान ऐसे बढ़ाते रहे। वो गुड मॉर्निंग गुड नाइट के मैसेज, वो जीजा साला भौजाई का मैसेज, वो पांचवी वाला रेगिस्तान में सांप मिला है, वो 90 साल के ताऊ को खोया बाप मिला है, वो हीरोइन क्यों शाइन बात गई थी, वो बाप की नीयत नहीं सही थी, वो मिर्चा से नीम से कोरोना हारेगा, इस बार अमेरिका चीन में घुसकर मारेगा, इन बेहुदा खबरों का कैसे निवारण होगा, स्थिति विशुद्ध का भैया व्हाट्सएप ही कारण होगा। तो कल्याण विशाल जो है बलिया के ही मतलब की कवि है और पहली बार किसी मंच पे मतलब कविता पढ़ने के लिए आए हैं। लगाओगी महावर जब तो उसके साथ की मेहंदी, चढ़ेगी देख लेना तुम सवेरे रात की मेहंदी, ये देखा जाएगा कि अधरों पे दिल तुम्हारा देखा जाएगा। एक पैरासीटामोल के स्क्रीन के लिए, कोविड में पल्स भाप की मशीन के लिए, जिस डॉक्टर का प्यार वो ठुकराई थी कभी, उसके ही पास आई थी बेहतरीन के लिए। तो
सागर में पत्थर तैराए हैं, भारत भू के कलकल पर जिनकी स्थिर प्रतिमाएं हैं, भारत भू के कलकल पर जिनकी स्थिर प्रतिमाएं हैं। राम वही जो जुगनू को दिन मान बनाने वाले हैं, राम वही जो जुगनू को दिन मान बनाने वाले हैं, राम वही जो जुगनू को दिन मान बनाने वाले हैं, राम वही जो देव जो भारत की पुण्य विरासत की महिमा ना जान रहे, जो भारत की पुण्य विरासत की महिमा ना जान रहे, माँ बहनों को जो समाज में वस्तु भोग की मान रहे, माँ बहनों को जो समाज में वस्तु भोग की मान रहे, राजनीति का नाग डस रहा प्रतिभा और योग्यता को, राजनीति का नाग डस रहा प्रतिभा और योग्यता को, बॉलीवुड खा रहा हमारी संस्कृति और सभ्यता को, बॉलीवुड खा रहा हमारी संस्कृति और सभ्यता को। बगल जिस रास्ते पे चल रहे उस पर है छल पड़े, कुछ देर के लिए मेरे माथे पे बल पड़े, जिस रास्ते पे चल रहे उस पर है छल पड़े, कुछ देर के लिए मेरे माथे पे बल पड़े। हम सोचने लगे कि यार लौट चले क्या, हम सोचने लगे कि यार लौट चले क्या, फिर सोचा यार छोड़ो चल पड़े तो चल पड़े। अरे वाह, आपका इश्क कैसा सलीम आपके सामने आखिरी ईंट रख दीजिएगा। नमो नमो के नारे खूब हुए जयकारे, काशी वाले विश्वनाथ ने खोल दिए भंडारे, सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया, उसके बाद भी 100 रुपया लीटर। बहुत अच्छे तेल हो गया। अरे तेल करो सस्ता ना, और कोई रास्ता ना, तेल गरीबों का निकला जाए। लक्ष्मी का बेटा, कानों में डालो तेल जरा सा, धक धक धड़कता दिल है डरा सा, कानों में डालो तेल जरा सा, धक धक धड़कता दिल है डरा सा, पंप देख कर धड़कन रुक जाए। तेल करो सस्ता ना, और कोई रास्ता ना, तेल गरीबों का निकला जाए, डीजल दिखाए भैया तेरा साइकिल वाला तेला मेला हुआ टूटी चैन, गिरे अगेन लेके डबल इंजन चले बाबा की ट्रेन, बाबा का नाम छाया बाबा का नाम। जब तक सारे ताली नहीं बजाओगे नाम नहीं छाएगा। अरे बाबा का नाम छाया बाबा का नाम, बाबा जी को समझा था क्या कच्चा। अरे बाबा का नाम छाया बाबा का नाम, बाबा जी को समझा था क्या कच्चा बदाम साइकिल धाम। मोदी बोले केम छे केम छे केम छे, राहुल बोले सेम छे सेम छे सेम छे, सीट नहीं आती चुनावों में, तो मोदी बोले यही तो गेम छे गेम छे गेम छे गेम छे। मोदी बोले गेम छे, सिद्धू कोलर ने भेजा तो पंजा तुड़वा लाए, दीदी कोलर ने भेजा तो नाक नहीं बच पाए, पीएम बनूंगा कैसे ये बात समझ ना आए, वोटर कहते हैं हमसे ओके टाटा बाय बाय हाय। मोदी बोले पीएम बनोगे तुम,
ये थारो भेम छे के माया बुआ गुस्से में लाल लाल अरे माया बुआ गुस्से में लाल लाल रे और योगी पूछे कैसन योगी जी धीरे धीरे योगी जी आ योगी जी बड़ी ही तेज पड़ी योगी जी हो ऐसी हुई पूजा बदन सारा सूजा सीधी ना होवे कमरिया रे योगी जी धीरे धीरे योगी जी वाह योगी जी जोड़ती रही वतन उड़ा के अपनी धज्जियां वर्दियां 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 ये वर्दियां तुम नाम भले हटवा देना। मैंने अपने उत्तर प्रदेश में परिवर्तन देखे आज से 6-7 वर्ष पहले जब हम लोग टॉकीज में जाया करते थे मूवीज देखने के लिए और राष्ट्रगान बजा करता था तब हम लोग उसके सम्मान में खड़े हो जाते थे। कुछ लोग वहां पर बैठ करके हमारी खिल्ली उड़ाते थे कि देखो राष्ट्रभक्त खड़ा हो गया देखो देशभक्त खड़ा हो गया। आज एक ऐसे मुख्यमंत्री के हाथ में बागडोर है जो ये कहता है कि किसी के अंदर हिम्मत हो तो माँ भारती का अपमान करके बताओ घरों पर बुलडोजर चला दिए जाएंगे लेकिन आपको तमीज सिखा दी जाएगी। ये परिवर्तन हम लोगों ने महसूस किया। शिवरात पचैया दुइये दिन नागिन के पूजा हो खेला शिवरात पचैया दुइये दिन नागिन के पूजा हो खेला बाकी हर दिन पूछल जाला बाकी हर दिन पूछल जाला नित दूध पियावल ना बाकी हर दिन पूछल जाला बहुत बढ़िया नित दूध पिया की पूर्णावती होनी है ना किसी भूमिका की वजह बची है ना कुछ और। मैं चाहता हूँ दो मिनट और लूंगा। मैं चाहता हूँ कि मैं क्या ही कहूँ बस आप ताली बजा दीजिए कुछ कहने की जरूरत नहीं सिर्फ ताली। जनगण मन के अमर स्वरों का गान तिरंगा है भारत के स्वर्णिम सपनों की शान तिरंगा है बलिदानी पवनों के झोंकों से जो लहराया बलिदानी पवनों के झोंकों से जो लहराया भारत माँ का गौरव और सम्मान तिरंगा है आन बान शानी और स्वाभिमान की मशाल क्रांति चेतना की अंगड़ाई को नमन है ओ काल के कराल फाल जिससे तिलक किया उस पुण्य लहु की ललाई को नमन है तो झांसी राजवंश की कमाई को नमन झांसी राजवंश की कमाई को नमन और अमर स्वरों की शहनाई को नमन है और चिड़िया की बाज से लड़ाई को नमन रानी लक्ष्मीबाई शौर्य तरुणाई को नमन है लक्ष्मीबाई शौर्य तरुणाई। चलो भाई अभी तो कार्यक्रम लास्ट खत्म हो गया बस लास्ट चल रहा है हमें लग रहा है कि 2-4-5 मिनट खत्म हो जाएगा तब हम चलते हैं घर पे। बाबा जी बहुत देर इंतजार कर रहे हैं जाने का। चलो भाई तब हम तो निकल गए हैं घर के लिए और ये रात में मेले का दृश्य। चलो भाई इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं मिलते हैं फिर आपको कल। बस इस ब्लॉग के लिए इतना ही। गुड नाइट क्या अब तो गुड मॉर्निंग हो गया।